Welcome to our channel Knowledge How. Friends, subscribe to our channel and click the bell icon for the latest update. आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो केमिस्ट्री की क्लास डिस्कस करने वाले हैं. केमिस्ट्री की क्लास जो आपकी है वो आपकी 132 है. 131 क्लासेस हम ऑलरेडी कर चुके हैं. 131 में हमने वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन से पहले के सारे टॉपिक्स क्लियर कर लिए हैं, जो कि आपका ये अभी थर्ड टॉपिक यूनिट चल रहा है, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन, जिसे हम VSEPR थ्योरी, विस्पर थ्योरी बोलते हैं. सो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन विस्पर थ्योरी से स्टार्ट करने से पहले इट्स अ रिक्वेस्ट का, अगर आप हमारे चैनल फर्स्ट टाइम देख रहे हो या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो इट्स अ रिक्वेस्ट कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, सो दैट हम जो भी वीडियोस डालें वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे. एंड सेकेंडली, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो, सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास वीडियो पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका यूटिलाइजेशन भी कर सकते हैं. स्टार्ट करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्योर रिपल्जन विस्पर थ्योरी. सिगविक एंड पावेल, ये दो थे 1940 में जिन्होंने प्रपोज किया था एक सिंपल थ्योरी दैट इज ऑन बेस्ड ऑन रिपल्सिव इंटरैक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्योर इन द वैलेंस शेल ऑफ द एटम. इट वॉज फर्दर डेवलप्ड एंड रीडिफाइंड बाय निकोल एंड गिलेस्फाई इन 1957. तो सबसे पहले सिडविक और पोवेल ने 1940 में प्रपोज किया था एक सिंपल थ्योरी, जो कि आपके रिपल्सिव इंट्रैक्शन के बीच में थी, जो कि आपका एक बेस्ड था रिपल्सिव इंट्रैक्शन के बारे में. रिपल्सिव इंट्रैक्शन जो आपका इलेक्ट्रॉन पेयर्स का होता है वैलेंस शेल में एक एटम में, वो चीज़ उन्होंने बताई थी सिडविक और रोवेल ने 1940 में. उसके बाद उसी को फर्दर आगे बढ़ा के उसको रीडिफाइन करके निकोलम और ग्लिस्फाई ने 1957 में बताया था आपके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्योर रिपल्शन थ्योरी. फॉर दिस द मेन पॉस्टुलेट ऑफ विस्पर थ्योरी आर एज फॉलोज. तो मेन पॉस्टुलेट जो विस्पर थ्योरी का है वो आपके पास इस तरह से है. पहला जो है दैट इज द शेप ऑफ अ मॉलिक्यूल डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड अराउंड द सेंट्रल एटम. तो शेप जो होता है मॉलिक्यूल का वो डिपेंड करता है कि उसके पास नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं, जो और है भी तो वो कितने बॉन्डेड हैं और कितने नॉन बॉन्डेड हैं आपके एक सेंट्रल एटम के अलॉन्ग. पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल रिपेल वन अनदर. जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है एक वैलेंस शेल में वो रिपेल करते हैं, एक दूसरे से दूर हो जाते हैं एक एटम में वन अनदर, सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड आर निगेटिवली चार्ज. और उनका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो निगेटिवली चार्ज होता है. दीज पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन टेंड टू ऑक्यूपाई which such positions in space that minimize the repulsion and their maximize distance between them. तो जो ये pair of electron होते हैं ये आपका occupy करते हैं, ऐसी position occupy कर लेते हैं space की जो आपका repulsion को minimize करता है, repulsion को कम करता है, और जो distance होता है between those atoms, between those electron pair, वो कम हो जाता है. तो क्या minimize करता है आपका? Repulsion minimize करता है और maximize क्या कर देता है? Distance between them. The valence shell is taken as sphere. आपका valence shell जो है, so with the valence shell is taken as sphere. Valence shell जो है वो आपका sphere में लिया जाता है. With the electron pair localizing on the spherical surface at maximum. Okay, तो उसका spherical surface होता है जो कि localize होता है आपका spherical surface जहाँ पे maximum होता है. Now moving on with the next one with reference to the valence shell electron pair repulsion theory. The main we are discussing the main postulates of VSEPR theory that are with reference to the distance from one another. A multiple bond is treated as if it is a single electron. A multiple bond जो अगर treat किया जाता है, अगर वो single electron pair है या दो या दो से ज़्यादा electron pair है या multiple bond है, तो उसे हम single super pair बोलते हैं, जिसमें आपका single bond, multiple bonds होते हैं, जिसे हम single super pair बोलते हैं. Whereas where two or more resonance structure, जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा resonance structure बनते हैं. Resonance structure I had told you in the last class, so you can go through with that if you had not gone through with. Resonance structure can be represent a molecule.
Tool IVSEPR Whisper model is applicable to any such structure. तो उस पर्टिकुलर में रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो एप्लीकेबल हो सकता है, दो या दो से ज़्यादा अगर रेजोनेंस स्ट्रक्चर है किसी मॉलिक्यूल में तो विस्पर मॉडल जो है वो उस पर एप्लीकेबल है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर पे. द रिपल्शन इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डिक्रीजेज इन द ऑर्डर. तो रिपल्शन इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो होता है वो डिक्रीज करता है इस तरह से, अगर लोन पेयर है और लोन पेयर है तो आपका वो बड़ा होगा, फिर लोन पेयर और बॉन्ड पेयर है तो वो लोन पेयर से छोटा होगा, फिर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर जो है वो सबसे छोटा होगा. इन इन इंक्रीजिंग ऑर्डर यू कैन से दैट बॉन्ड पेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड देन लोन पेयर. अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में बोलते हैं तो फिर लोन पेयर देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर सो दैट इट इन अ साइमल्टेनियस वे. Nicolaum and Gillespie in 1957, I had told you they had redefined all these about the structure of Whisper theory. Nicolaum and Gillespie in 1957 redefined the Whisper model by explaining the important difference between the lone pair of electrons. So basically they had redefined, they had shown us the important difference between that the central atom and important differences between the lone pair of that particular atom. While the lone pair are localized as the central atom, each bond pair is shared between the two atoms. तो वहाँ पे lone pair जो है वो localized होता है central atom पे, जहाँ पे हर एक bonded pair जो है वो आपका दो atoms के बीच में shared किया जाता है. एज अ रिजल्ट द लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन अ मॉलिक्यूल, इसका रिजल्ट ये हुआ कि जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन था आपका मॉलिक्यूल में दैट ऑक्यूपाई मोर स्पेस एज कम्पेयर टू द बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो लोन पेयर जो है वो ज़्यादा स्पेस लेने लगा आपका बॉन्डिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कम्पेयर में. दिस रिजल्ट इज ग्रेटर रिपल्शन बिटवीन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये रिजल्ट आपका इस तरह से है कि जो रिपल्शन होता है वो ज़्यादा देखने को मिलता है अमंग बिटवीन द लोन पेयर एंड कम्पेयर टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड बॉन्ड पेयर. तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन में आपका रिपल्शन ज़्यादा देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू द लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर. Now moving on to the next point that we have with conclusion of regarding the Whisper theory and the reference to the repulsion of the pair here. With reference to the pair repulsion that they have, their repulsion effect results in deviation from idealized shape and alteration in the bond angles in molecule. So basically उनका pair repulsion जो होता था जो आपका lone pair का वो repulsion ज़्यादा देखने को मिलता था as compared to the bond pair and lone pair and bond pair repulsion. तो उनका repulsion जो होता था वो effect भी करता था आपके you know idealized shape को जो alternation bond angle formed कर रहे थे वो molecules. With the geometrical shape of molecule with the help of a Whisper theory, it can be convenient to divide molecules into the two categories. So geometrical shape की अगर हम consideration की बात करें geometrical shape of that particular molecule, तो उन्होंने Whisper theory को थोड़ा help, Whisper theory ने उनको help किया for the geometrical shapes of the molecule and that is convenient and they divide into the two categories, जिसमें से पहली category आपकी है मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ नो लोन पेयर. तो एक कैटेगरी उन्होंने बनाई ऐसे मॉलिक्यूल्स जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है. सेकेंड कैटेगरी उन्होंने बनाई मॉलिक्यूल्स इन विच द सेंट्रल एटम हैज़ वन और मोर लोन पेयर. तो सेकेंड पहली कैटेगरी उन्होंने बनाई ऐसे मॉलिक्यूल जिनके पास सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है. सेकेंड कैटेगरी उन्होंने बनाई ऐसे मॉलिक्यूल जिनके सेंट्रल एटम के पास एक या एक से ज़्यादा लोन पेयर्स हैं. तो दोनों कैटेगरीज उन्होंने बना ली. The compound of AB2, AB3, AB4, AB5 and AB6, the arrangement of the electron pair and the B atom around the central atom AR, B atom क्या होंगे वो आपके linear हो सकते हैं, trigonal pair होंगे and tetrahedral trigonal by pyramidical and octahedral respectively. तो AB1, AB2 के लिए आपका linear था, AB3 के लिए ट्राइगोनल पेयर था, AB5 के लिए आपका टेट्राहेड्रल था, सॉरी AB4 के लिए टेट्राहेड्रल था, AB5 के लिए आपका ट्राइगोनल बायपिरामिडल था, फिर आपका AB6 के लिए ऑक्टाहेड्रल था. तो इसके हिसाब से जब स्ट्रक्चर्स को बनाया गया तो ये डिफरेंसेस देखने को मिले कि AB2 लीनियर था, AB3 ट्राइगोनल पेयर था, AB4 आपका टेट्राहेड्रल था और फिर आपका AB6 ट्राइगोनल बायपिरामिडल था एंड AB आपका AB6 जो है वो ऑक्टाहेड्रल था रिस्पेक्टिवली.
सच अरेंजमेंट कैन बी सीन इन द मॉलिक्यूल लाइक BF3, जिसे हम AB3 कहते हैं। अब AB3 का क्या था हमारा ट्राइगोनल प्लेनर, तो वहाँ पे आप देख पाओगे BF3 के थ्रू, जिसे हम AB3 कहते हैं, CH4 के थ्रू जो कि हम जिसे AB4 कहते हैं, जो कि आपका AB4 टेट्राहेड्रल बना रहा था, ये ट्राइगोनल प्लेनर बना रहा था, एंड PCl5 जो कि आपका AB5 कहलाता है, जिसे हम एक्चुअली में हम ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। अब इसके डिफरेंसेस में आप कुछ अरेंजमेंट देख सकते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पे बनाया है, यहाँ पे जो बनाया है ये पूरा 180 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है आपका। ये सेंट्रल एटम है जिसे हम BE कहेंगे, और ये एक CL एटम है, और ये भी CL एटम है, और ये BE एटम है, जो कि पूरा का पूरा आपका लीनियर बना रहा है और 180 डिग्री बना रहा है बीच में। अब आते हैं इस एटम के बारे में, ये आपका है BF3। बी जो आपका है सेंट्रल एटम है, ये जो आपके नेक्स्ट एटम से ये F है, और ये अपने बीच में दो इंडिविजुअल के बीच में आप कितना एंगल बना रहे हैं, दैट इज़ 120 डिग्री। ये कहता बना रहे हैं 180 डिग्री, ओके, दे आर फॉर्मिंग 120 डिग्री। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ CH4। अब CH4 की बात करते हैं, तो ये AB4 है। AB4 जो आपका है वो आपका टेट्राहेड्रल बना रहा है। AB4 में यहाँ पे बी आपका यहाँ पे है, ये आपका सॉरी ये आपका सी है, और यहाँ पे ये एच है, ये एच है, ये एच है, और ये एच है, तो CH4 हो गया। और ये आपका जो एक एंगल बना रहा है इन बिटवीन, वो 109.5 डिग्री सेल्सियस बना रहा है। अब आते हैं इसके बारे में, तो ये PCl5 है, तो ये जो बीच वाला एटम है ये आपका P है, ये आपके Cl जो है वो आपके 5 Cl करस्पॉन्डिंग आपके लगे हुए हैं, तो ये आपका जो एंगल बना रहे हैं वो 90 डिग्री का बना रहे हैं PCl5। अब बात करते हैं BCl2, उसमें 180 डिग्री बन रहा है। BF3 वो आपका 120 डिग्री बना रहा है। CH4 109.5 डिग्री बना रहा है, और PCl5 वो आपका बना रहा है 90 डिग्री। द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैव नो लोन पेयर, ये ऐसे शेप्स हैं मॉलिक्यूल जो कि आपके जिसमें सेंट्रल एटम के पास कोई भी लोन पेयर नहीं है। द विस्पर थ्योरी इज एबल टू प्रिडिक्ट ज्योमेट्री ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्पेशली द कंपाउंड ऑफ पी ब्लॉक एलिमेंट एक्यूरेटली। तो विस्पर थ्योरी जो है वो एक्चुअली प्रिडिक्ट कर पाई ज्योमेट्रिकल जो आपके लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स थे, क्योंकि जो पहले थ्योरी आई थी वो ज़्यादा नंबर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स को नहीं प्रिडिक्ट कर पाई थी, पर जो विस्पर थ्योरी थी ये आपके नंबर ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स को, उनकी ज्योमेट्री को प्रोटेक्ट कर पाई थी, बना पाई थी, स्पेशली वो कंपाउंड जो कि पी ब्लॉक एलिमेंट को बिलोंग करते हैं, उनके लिए तो बिल्कुल एक्यूरेटली इन्होंने प्रोडिक्ट किया था। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट दैट वी हैव हियर, सो वेयर द थ्योरेटिकल बेसिस ऑफ द विस्पर थ्योरी रिगार्डिंग द इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन ऑन मॉलिक्यूलर शेप इज नॉट क्लियर। तो इस थ्योरी के बेसिस पे जो कि विस्पर थ्योरी थी उसके रिगार्डिंग पे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो रिपल्शन देखने को मिला मॉलिक्यूलर शेप में वो ज़्यादा क्लियर नहीं था, जिसके लिए मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाया हुआ है जिसको आप बहुत आराम से गो थ्रू कर सकते हैं। पहला यहाँ पे मैंने जो सेक्शन बनाया दैट इज़ अ मॉलिक्यूलर टाइप, कौन सा मॉलिक्यूलर टाइप है। सेकेंड इज़ अ नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर, कितने नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर्स हैं। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, क्या अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बना, शेप कौन सा बनेगा, और उसके एग्जांपल्स के किस किस मॉलिक्यूल्स में आप वो फॉर्मेशन देख सकते हैं। नाउ वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, द फर्स्ट मॉलिक्यूल टाइप दैट इज AB2, AB2E। So with respect to the AB2E that we have here, so the number of bonding pairs here it is 2, and the number of lone pairs we have 1. The arrangement of electron pair is ये central atom है, then it is B, there are the other two element and having a one lone pair here, just like here it is mentioned, and shape जो बनाएगा ये AB2E वो आपका बेंड शेप होगा। एग्जाम्पल है जो कि आप ये बना सकते हैं वो SO2 है और O3 है, ओके, दे फॉर्मिंग द बेंड शेप एज वेल एज दे हैविंग अ नॉन बॉन्डिंग पेयर दैट इज 2 एंड नंबर ऑफ लोन पेयर दैट इज 1। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट इज AB3E। AB3E जो है उसके पास नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर 3 होते हैं, नंबर ऑफ लोन पेयर उसके 1 होते हैं। इसका अगर अरेंजमेंट ऑफ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये जो शेप था वो आपका ट्राइगोनल प्लेनर था, ओके, नाउ फॉर द लोन पेयर 1 यहाँ पे भी है। इसका स्ट्रक्चर जो होगा AB3E है, तो एक सिंगल एटम A होगा, फिर 3 यहाँ पे 3 आपके B हैं, और फिर उसके बाद ये जो आपका एक लोन पेयर है जो कि यहाँ पे मैंशनड है,
एंड ये फॉर्म आपका करेगा ट्राइगोनल पैरामिडिकल आपका शेप होगा और ये NH3 में बनेगा जहाँ पे एन एस सी रहेगा और फिर ये एच आपके इस तरह से बनाएंगे विद हैविंग अ लोन पेयर. नाउ दे फॉर्म द शेप ऑफ अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट इज योर टेट्राहेड्रल लेयर. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट इज वी हैव Ab2E2. यहाँ पे Ab2E2 है जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स आपके 2 हैं, नंबर ऑफ पेयर्स जो है लोन पेयर्स जो है वो भी आपके 2 हैं. ये फॉर्म बनेंगे अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर जो बनेगा. यहाँ पे एक ए सेंट्रल एटम है, 2 बी आपके हैं जो कि यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं आपके यहाँ पे मैंशन थे एंड दिस फॉर्म द टेट्राहेड्रल. इनका जो शेप होगा वो बेंट शेप होगा जो कि H2O में फॉर्म होता है. नाउ मूविंग ऑन विद नेक्स्ट दैट इज योर Ab4E. एंड Ab4E की बात करते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स 4 होंगे और नंबर ऑफ लोन पेयर वी हैव 1 एंड दे फॉर्म एक सेंट्रल एटम है. यहाँ पे 3 आपके 4 आपके जो बी एटम्स होंगे, Ab4 है इसलिए 4 ये और एक लोन पेयर आपका आएगा. ये आपका जो किस शेप बनाएगा वो आपका सी सॉ शेप बनाएगा और ये आपका SF4 में बन सकता है. S यहाँ पे F आपके 4 चारों तरफ आपके 4 होंगे, F फ्लोरीन होगा. ओके ये आपका ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बनाता है शेप. नाउ कमिंग टू द Ab3E2. Ab3E2 में यहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर है वो आपका 3 है, नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो आपका 2 है और यहाँ पे आपका जो A है A एक सिंगल है तो A क्या सेंट्रल एटम होगा. 1 2 3 3 आपके यहाँ पे B एटम्स होंगे और यहाँ पे ये 2 लोन पेयर्स हैं. आपका जो ये शेप बनाएगा वो आपका टी शेप्ड बनाएगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं टी शेप बन रहा है और ये आपका जो बनेगा वो Cl3 में बनेगा. ओके तो Cl आपका बीच में रहेगा और F जो है वो आपके इधर उधर 3 जगह पे रहेगा विद हैविंग अ 2 लोन पेयर. नेक्स्ट फॉर द केस ऑफ Ab5E, जहाँ पे नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर जो है वो आपके 5 है, नंबर ऑफ लोन पेयर जो है वो आपका 1 है और जो इसका अरेंजमेंट होगा इलेक्ट्रॉन पेयर का वहाँ पे ये सेंट्रल एटम देख सकते हैं 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे Ab5 कंप्लीट करेगा और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा जैसा कि यहाँ मेंशन है. दिस इज फॉर्मिंग अ ऑक्टाहेड्रल एंड दिस इज ऑल्सो फॉर्मिंग अ ट्राइगोनल बाय पिरामिडल. अब शेप की बात करते हैं तो शेप यहाँ पे स्क्वायर पिरामिड बनेगा. ओके और यहाँ पे ये आपका Br(F5) में बनेगा जैसा कि Br ये है आपका और F5 जो है वो इस तरह से आपका तीनों तरफ आपका F रहेगा. हेयर इट इज. ओके एंड यहाँ पे आपका F बनेगा और यहाँ पे एक लोन पेयर रहेगा. ये आपका ऑक्टाहेड्रल फॉर्म बनेगा जहाँ पे शेप जो है आपका है वो स्क्वायर पिरामिड है और दैट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ Ab5E. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट वन दैट वी हैव फॉर द Ab4E2. Ab4E2 की बात करते हैं तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ बॉन्डिंग पेयर्स होंगे वो आपके 4 होंगे, नंबर ऑफ लोन पेयर्स जो होंगे वो आपके 2 होंगे और यहाँ पे एक सेंट्रल एटम है, 1 2 3 4 आपके बी एटम्स है, यहाँ पे 2 लोन पेयर्स है. उसके साथ साथ जो यहाँ पे ये शेप बनाएगा दैट इज द स्क्वायर प्लानर एंड ये जो आपका फॉर्म होगा वो XeF4 में होगा जो कि XE आपका ऐसे होगा और आपके F4 जो है F यहाँ पे चारों तरफ आपके F होंगे और यहाँ पे आपके ये 2 लोन पेयर यहाँ पे दिखाएंगे जो कि ऑक्टाहेड्रल शेप बनाने वाले हैं द अरेंजमेंट जो दैट वो फॉर्म करेंगे. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट हेडिंग दैट वी हैव वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है? द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वॉज इंट्रोड्यूस बाय द हेल्टर एंड लंडन. सो लंडन में हेटलर ने आपने क्या किया था 1927 में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को इंट्रोड्यूस किया था एंड डेवलप्ड फर्दर बाय पॉलिंग एंड अदर्स. तो पॉलिंग ने और दूसरों ने इनको फर्दर कम्प्लीट किया था. ओके डेवलप्ड किया था. So they developed further by Pauling and others. A discussion of the valence bond theory is based on the knowledge of atomic orbitals, electronic configuration of elements, and the overlapping criteria of atomic orbitals here. So here for the overlap criteria for the atomic orbital and the hybridization of atomic orbital and the principle of variations and superpositions, these were the criteria for a discussion that the valence bond theory is based on these knowledges that they having an atomic orbital, electronic configuration of element and the overlap criteria of the atomic orbital as well as they having a hybridization of atomic orbital as well as the principle variations and superposition. A rigorous treatment of the valence bond theory in terms of these aspects is beyond the scope of this. Okay.
A rigorous treatment of the valence bond theory in terms of these aspects and the beyond the scope of this book. So the two hydrogen atoms where A and B approaching each other having the nuclei, that is Na and Nb, an electron present in them, one represented by Ea and Eb. Now moving on with the next that we have here. The attractive forces arises between. आपको बताना है कि जो attractive forces हैं जो arise करते हैं between those atoms, between those molecular structure that we had discussed here before. So the nucleus of one atom and its own electron, that is Na and Ea and Nb and Eb. So these were the Na and Ea and Nb and Ea. These were Eb. That were the nucleus of one atom of its own electron, and that is Na and Ea and Nb and Eb. The second attractive force arises between the nucleus of one atom and electron of the other atom. One atom ka ek nucleus and the other atom ka electron, that is Na, Eb and Nb, Ea. Yahan pe similar tha, yahan pe different hai. A hai to B hai to A. Nucleus agar A ka hai to electron B ka hai. Nucleus agar B ka hai to electron A ka hai. Yahan pe kya tha? Nucleus A ka hai to electron bhi A ka hai. Nucleus B ka hai to fir electron bhi B ka hai. With that similarity, repulsion forces arises between here. The first condition, that is electron of two atom, दो atom का electron जो होता है, जैसे कि Ea और Eb, electron of atom A and electron of atom B here. For the nuclei of the two atom, that is Na and Nb, neutron of nuclei of atom A and a nuclei of atom B, that we are representing, that similarly repulsion forces arises between those. Attractive forces tends to bring the two atom close to each other, whereas repulsive forces tend to push them apart. तो attractive force जो होता है वो आपका दो atoms को close लाने के लिए attractive force apply करता है, और जो आपका repulsive forces होते हैं that will push them apart, दोनों एक दूसरे को move करते हैं, दूर करते हैं. For the case, यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, यहाँ पे plus है, ये minus है, तो ये दोनों ही एक दूसरे के पास जाना चाह रहे हैं, attractive force यहाँ पे हो रहा है. Okay. यहाँ पे attractive force हो रहा है, यहाँ पे minus, यहाँ पे plus है, they are different charges, so they will be attract with each other, and here the attraction force is being applied here. यहाँ पे plus है, यहाँ minus है, they are the different charges, they are moving towards each other and feeling an attraction force. Next, for the minus and plus, they are different charges and they are feeling the attraction force here also. Okay, and यहाँ पे ये HA है, ये HB है, यहाँ पे E of electron है और यहाँ पे EB of electron है. ये जो डॉटेड लाइन सेपरेट की गई है, डॉटेड लाइन देख रहे हो, ये आपके ओल्ड फोर्सेस हैं जो पहले फोर्स हो रहे थे. ये जो आपके बिल्कुल सेगमेंट लाइन है वो आपका एक न्यू फोर्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. दिस इज द एग्जांपल ऑफ अट्रैक्शन फोर्स. नाउ कमिंग टू द एग्जांपल्स ऑफ रिपल्शन फोर्स, हाउ रिपल्शन फोर्सेस आर एक्टिंग ईच अदर. ये माइनस है, ये भी माइनस है, दे आर द सिमिलर चार्जेस. तो सिमिलर हैं अगर चार्जेस, सिमिलर चार्जेस, सो दे रिपेल ईच अदर. इधर यहाँ पे है डिफरेंट चार्जेस, अट्रैक्ट ईच अदर. सो सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर, डिफरेंट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर. इन द केस यहाँ पे माइनस माइनस दोनों है, तो ये दोनों रिपेल करें, ये इस तरफ जा रहे हैं, ये इस तरफ जा रहे हैं. फॉर प्लस एंड प्लस दे आर गोइंग, ए अपने इस डायरेक्शन में जा रहा है, बी इस डायरेक्शन में जा रहा है. तो दे आर डिफ्रेंशिएटिंग एंड दिस फोर्स इज नोन एज रिपल्सिव फोर्स. फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन एंड द रिपल्शन ड्यूरिंग द फंक्शन ऑफ एच टू मॉलिक्यूल्स, दे आर परफॉर्मिंग एज अट्रैक्शन फोर्स एंड दिस इज एक्टिंग एज रिपल्सिव फोर्स हियर. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट दैट वी हैव हियर. बॉन्ड एंथैल्पी. नाउ टॉकिंग अबाउट द बॉन्ड एंथैल्पी, दैट इज बी ई. बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है? जो आपकी बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी हो रही है, रिलीज हो रही है, एक्सक्रीट हो रही है, तो वो आपको बताता है द एनर्जी गेट रिलीज्ड व्हेन द बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम. द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज मोर स्टेबल देन दैट ऑफ द आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम. द एनर्जी सो रिलीज इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी. अगर आपसे कोई पूछता है कि बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, तो यू जस्ट से दैट energy gets released to form the bond. When the bond is formed, then this is known as bond enthalpy. Once again, I will repeat for the bond enthalpy. The energy get released when the bond is formed between two hydrogen atom. The hydrogen molecule is more stable than that of the isolated hydrogen atom, and the energy so released is called bond enthalpy here. Conversely, अगर हम बात करते हैं 435
0.8 kilojoule of energy is required to dissociate one mole of hydrogen molecule. H2 molecule को अगर आपको dissociate करना है, अलग move करना है, disseparate करना है, तो 435.8 kilojoule of energy आपको required होती है dissociate करने के लिए. यहाँ पे ये H2 molecule है जो कि gaseous form में है, plus 435.8 kilojoule of energy आप इसमें add on की, तब वो आपका hydrogen जो H2 था, वो HH अलग-अलग form में आपको यहाँ पे दिखेगा, को disseparate करने के लिए. Now talking about the orbital overlap concept. Orbital overlap concept क्या होता है? Orbital overlap concept in the formation of hydrogen molecule, जब hydrogen molecule का formation होता है, there is a minimum energy state when two hydrogen atoms are so near that their atomic orbital undergoes a partial interpenetration. This partial message of atomic orbital is called overlapping of atomic orbital, which results in pursuing the electron. बेसिकली जब फॉर्म होता है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो वहाँ पे क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो स्टेट होता है वो आपका हाइड्रोजन एटम को करीब लेके आता है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की. अगर पार्शियल इंटरपेनिट्रेशन भी आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, पार्शियल जो मर्जिंग होती है, जो पार्शियल मर्जिंग जो थोड़ा थोड़ा आपका एक दूसरे से मिल जाते हैं ये लोग एटॉमिक ऑर्बिटल के थ्रू, उसे ही हम ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कहते हैं, जो कि आपका पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर्म करता है. The next one is the extent of the overlap decide the strength of the covalent bond. जितना ज़्यादा आपका extent होगा overlap, okay, overlap जितना ज़्यादा आपका extent होगा वो आपका decide करता है कि कितनी strength है covalent bonding की. In general, the greater the overlap, the stronger in the bond formed between the two atom. जितना ज़्यादा आपका overlap होगा, उतना ज़्यादा आपका strong भी होगा आपका जो bond form करेगा दो atom के बीच में. तो you have to understand, जितना ज़्यादा overlap होगा, उतना ज़्यादा strong आपका bond share करेगा. Therefore, according to the orbital overlap concept, according to overlap bond concept की अगर हम बात करते हैं, तो जो formation होता है covalent bond का between the two atom results by pairing of electron present in the valence shells having opposite spin. तो जो हमारे valence shell में जो आपके electrons होते हैं, उनके possibility होती है कि they have an opposite spin here. Okay, that results the pairing of electron that are present in the valence shell having an opposite spin here. Now moving on to the next that we have here. In case of the directional properties of bond, directional properties of bonds क्या होता है? Directional properties of bonds होता है, the formation of covalent bond depends on the overlapping of atomic orbital. जो formation होता है covalent bond का, वो depend करता है overlapping of atomic orbital का. The molecules of hydrogen is formed due to overlap of 1s orbital of two hydrogen atom when they are combined with each other. तो जो formation होता है covalent bond का, ये depend करता है हमारी कितनी overlapping है एटॉमिक ऑर्बिटल की. जैसा कि मैंने आपको बताया, वो मॉलिक्यूल जो हाइड्रोजन फॉर्म करते हैं ड्यू टू द ओवरलैप 1s ऑर्बिटल के, जो कि हाइड्रोजन एटम है, वो आपका कंबाइन करता है एक दूसरे से. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द ओवरलैपिंग. इन द केस ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, अगर हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल के बारे में, लाइक जैसे CH4 है, NH3 है, NH2O है, द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल इज ऑल्सो इम्पोज्ड इन द एडिशनल टू द बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर हम बात करते हैं पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की, जो कि CH4 है, NH3 है आपका, H2O है, इनका जो ज्योमेट्री है आपका मॉलिक्यूल्स का, वो इम्पॉसिबल है एक तरह से, क्योंकि वो इम्पोज्ड करते हैं आपका एडिशन ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन को. नेक्स्ट विद द कॉन्सेप्ट द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, जिसे हम VSEPR बोलते हैं, VSEPR थ्योरी या VV थ्योरी जिसे हम कहते हैं बेसिकली. The valence bond theory explains the formation of directional properties of bonds in polyatomic molecule. तो valence bond theory जो है वो आपका formation और directional properties of bond को polyatomic molecules के दिखाता है, जिसमें आपका CH4 है, NH3 है, H2O है. In terms of overlap and hybridization of atomic orbital, जो कि आपका ये formation जो polyatomic molecules का दिखाता है, in terms of overlapping के through दिखाता है, in terms of hybridization of atomic orbital के through दिखाता है. Now moving on to the next that we have here, overlapping of atomic orbital. क्या होता है overlapping of atomic orbital? Basically, if I'm talking about the overlapping of atomic orbital in the case where we're discussing your overlapping of atomic orbital. So overlapping of atomic orbital says that when two atom comes close to each other, there is overlapping of atomic orbital. जब दो atom एक दूसरे के पास आते हैं, तब वहाँ पे overlapping होती है atomic orbital में.
दिस ओवरलैप मे बी पॉजिटिव, ये ओवरलैप जो होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, और इवन दो जीरो भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। ये डिपेंड करता है कि उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की क्या है। ओके, टोटली ये डिपेंड करता है, जो ओवरलैपिंग की प्रॉपर्टीज होती हैं, ओवरलैपिंग जो होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रॉपर्टी ओवरलैपिंग की क्या है एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो वेरियस अरेंजमेंट ऑफ एस एंड पी ऑर्बिटल रिजल्टिंग इन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप। तो वेरियस जो अरेंजमेंट होता है आपका एस ऑर्बिटल का, पी ऑर्बिटल का, वो रिजल्ट करता है आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो ओवरलैप। बेसिकली द क्राइटेरिया ऑफ द ओवरलैप एज द मेन फैक्टर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड अप्लाइज इन यूनिफॉर्मली टू बी द होमोन्यूक्लियर, हेट्रोन्यूक्लियर, डायटोमिक मॉलिक्यूल एंड पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स एज वेल। जो क्राइटेरिया होता है ओवरलैपिंग की अगर हम बात करते हैं, तो वो बेसिकली एक फैक्टर, मेन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि किस तरह से कोवेलेंट बॉन्ड बना, और इवन दो वो यूनिफॉर्मली जो है वो होमोन्यूक्लियर है या हेट्रोन्यूक्लियर है। होमोन्यूक्लियर मतलब सेम न्यूक्लियर, एंड हेट्रोन्यूक्लियर मतलब डिफरेंट न्यूक्लियर। ओके, एंड द डायटोमिक मॉलिक्यूल एज वेल एज फॉर द रिस्पेक्ट टू द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल एज वेल। नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट इन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल हियर। विद हेयर इन द केस ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, अगर हम केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, लाइक सी एच फोर, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल मतलब जैसे सी एच फोर या एन एच थ्री या एच टू ओ हेयर। विद रिस्पेक्ट टू इन ईच इन द केस ऑफ द पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स जो कि सी एच फोर है, एन एच थ्री, एच टू ओ है, द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हैज़ टू बी अकाउंट फॉर दियर कैरेक्टरिस्टिक्स शेप्स एज वेल। द शेप ऑफ सी एच फोर, एन एच थ्री, the shape of the CH4 and NH3 and H2O molecule are tetrahedral, pyramidal and bent respectively. तो सी एच फोर के लिए आपका टेट्राहेड्रल शेप रहता है, एन एच थ्री के लिए पायरामिडल होता है, और आपका एच टू ओ के लिए बेंट रिस्पेक्टिवली होता है। नेक्स्ट मूविंग ऑन द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज योर टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग एंड नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कितने टाइप्स के ओवरलैपिंग प्रेजेंट है अभी तक के, और क्या नेचर होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के, दैट वी हैव टू डिस्कस हियर। Now, related to the types of overlapping, the covalent bond may be classified into two types depending upon the types of overlapping. Basically, जो आपका covalent bond होता है, covalent bond आपका सिर्फ और सिर्फ दो part, दो type पे ही depend करता है, और वो depend करता है, वो दो type भी आपका types of overlapping पे depend करता है कि कौन सी types of overlapping वो हो रही है। उसमें पहला जो आपका है, दैट इज अ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड क्या होता है बेटा, दैट सिग्मा बॉन्ड, दिस इज द टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द एंड टू एंड, दैट इज हैंड ऑन ओवरलैप ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल अलोंग विद द इंटरमॉलिक्यूलर एक्सेस। दिस इज कॉल्ड एज हेड एंड ओवरलैप और कोएक्सियल ओवरलैप। दिस कैन बी फॉर्म्ड बाय एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। बेसिकली अगर हम सिग्मा बॉन्ड की बात करते हैं, तो ये इस तरह का टाइप कोवेलेंट बॉन्ड है जहाँ पे आपका एंड टू एंड या तो कॉर्नर टू कॉर्नर, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, जो कि इंटरमॉलिक्यूलर एक्सेस के थ्रू होती है। इसी को हम हेड भी बोलते हैं, ओवरलैप भी बोलते हैं, और एक्सियल ओवरलैप भी बोलते हैं। दिस कैन बी फॉर्म्ड बाई एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप। ये आपका कोई भी एक टाइप का कॉम्बिनेशन हो सकता है एटॉमिक ऑर्बिटल का, जिसमें पहला आपका है एस एस ओवरलैपिंग, सेकेंड इज योर एस पी ओवरलैपिंग। विद रिलेटेड टू द एस एस ओवरलैपिंग, सो सिग्मा बॉन्ड जो आपका है वो एस एस ओवरलैपिंग और एस पी ओवरलैपिंग के केस में होता है। एस एस ओवरलैपिंग क्या होता है, इन द केस देर आर ओवरलैप ऑफ टू हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल अलॉन्ग विद द इंटर न्यूक्लियर एक्सेस एज शोन। सो बेसिकली अगर हम एस एस ओवरलैपिंग की बात करते हैं, ये एक ऐसा केस है जहाँ पे ओवरलैप होता है दो हाफ फिल्ड आपके एस ऑर्बिटल, यू नो इंटरमीडिएट इंटर न्यूक्लियर एक्सेस पे करते हैं। जैसे कि ये एक एस ऑर्बिटल है, ये भी एक एस ऑर्बिटल है, ये दोनों जब मिलते हैं तो दे फॉर्म एस एस ओवरलैपिंग। ओके, सो वेयर इन द केस यू कैन सी दैट दिस इज द फॉर्मिंग योर ओवरलैपिंग। नाउ एस पी ओवरलैपिंग की बात करते हैं। एस पी ओवरलैपिंग क्या होती है, दिस टाइप ऑफ ओवरलैपिंग अकर्स बिटवीन द हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड वन ऑफ द एटम हाफ फिल्ड बाय पी ऑर्बिटल ऑफ द अनदर एटम। तो एस पी में जहाँ पे आपका टाइप ऑफ ओवरलैप होता है बिटवीन द हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल एज वेल एज हाफ फिल्ड योर पी ऑर्बिटल टू द अनदर एटम। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये एस ऑर्बिटल है, यहाँ पे ये आपका पी ऑर्बिटल है। अब ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये एक एस ऑर्बिटल है और ये आपका पी ऑर्बिटल है, दोनों ने ओवरलैपिंग की, दिस इज फॉर्मिंग द एस पी ऑर्बिटल। हेयर इन दिस केस एस एस ऑर्बिटल इज ओवरलैपिंग एंड दे आर फॉर्मिंग द एस एस ओवरलैपिंग।
Okay, so we're this is the sigma bond. Now moving on with the next that we have here. So पहला SS overlapping था, second वाला SP overlapping था, अब यहाँ पे PP overlapping होगा. P और P कैसे overlap करते हैं? PP overlapping क्या होता है? This type of overlap take place between the half filled p orbital of the two approaching atom. दो approaching atom के आपके PP orbital overlap करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये p orbital है, यहाँ पे second p orbital है. ये दोनों जब ओवरलैप करेंगे दे आर फॉर्मिंग अ PP ओवरलैपिंग एंड दे आर फॉर्मिंग नोन एज PP orbital. तो सिग्मा जो आपका है जो कि इस तरह से साइन से डिनोट करता है, ये आपका तीन तरह का होता है. पहला आपका होता है एस एस ओवरलैपिंग, सेकेंड इज योर एस पी ओवरलैपिंग एंड द थर्ड वन इज योर पी पी ओवरलैपिंग. ओके, तो ये आपका पहला होता है. सेकेंड आपका है पाई बॉन्ड. पाई बॉन्ड क्या होता है, दैट यू हैव टू सी हियर. पाई बॉन्डिंग क्या होता है, पाई बॉन्ड इज इन द फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड. जब पाई बॉन्ड आपका बनता है द एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप इन सच अ वे दैट देयर एक्सिस रिमेन पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द इंटरमोलिकुलर एक्स इंटरन्यूक्लियर एक्सिस. द ऑर्बिटल फॉर्म ड्यू टू द साइड वाइज ओवरलैपिंग कंसिस्ट ऑफ टू सॉसर टाइप चार्ज क्लाउड अबव एंड बिलो द प्लेन ऑफ अ पर्टिकुलर पार्टिसिपेटिंग एटम. बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे देखो पी ऑर्बिटल है ये, यहाँ पे भी सेकेंड पी ऑर्बिटल है, ये दोनों ओवरलैप करेंगे साइड वाइज, सो दे आर फॉर्मिंग लाइक दिस. या फिर आपका इस तरह से ओवरलैपिंग होता है जिसे हम पी पी ओवरलैपिंग कहते हैं. नाउ मूविंग ऑन, दिस इज आई हैड एक्सप्लेन यू अबाउट सिग्मा बॉन्ड. सिग्मा एस एस ओवरलैपिंग होता है, एस पी ओवरलैपिंग होता है और आपका पी पी ओवरलैपिंग होता है. और सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड ये दो बॉन्ड होते हैं. सिग्मा बॉन्ड के कैटेगराइजेशन ये है, पाई बॉन्ड के कैटेगराइजेशन नहीं है. जहाँ पे पाई पाई आपका पी पी ऑर्बिटल ओवरलैप करता है साइड वाइज. नाउ मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट हेडिंग, दैट इज योर स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड. अभी सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, दैट वी हैड डिस्कस्ड हियर, बट अब उसकी स्ट्रेंथ्स क्या है आपके सिग्मा और पाई बॉन्ड की, दैट वी हैव टू सी हियर. स्ट्रेंथ ऑफ द सिग्मा एंड द पाई बॉन्ड, बेसिकली द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड डिपेंड्स अपॉन द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग. तो जो स्ट्रेंथ होती है बॉन्ड की वो टोटली डिपेंड करता है कि कितना एक्सटेंट है ओवरलैपिंग का. इन द केस ऑफ द सिग्मा बॉन्ड, अगर हम सिग्मा बॉन्ड के केस की बात करते हैं, द ओवरलैपिंग ऑफ द ऑर्बिटल टेक्स प्लेस टू द लार्जर एक्सटेंट. तो ओवरलैपिंग जो ऑर्बिटल्स की होती है वो एक लार्ज एक्सटेंट तक होती है. हेंस इट इज स्ट्रॉन्गर एज कम्पेयर टू द पाई बॉन्ड. ये स्ट्रॉन्गर उतनी होती है जितनी पाई बॉन्ड जितना होती है. वेयर द एक्सटेंट ऑफ द ओवरलैपिंग अकर्स टू अ स्मॉलर एक्सटेंट. और यहाँ पे ओवरलैपिंग जो होती है वो स्मॉलर एक्सटेंट तक होती है. पाई बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इज फॉर्म्ड इन एडिशन टू द सिग्मा बॉन्ड. It is always present in the molecules containing the multiple bond, covalent, double and triple bond. तो पाई बॉन्ड जो होता है दो एटम के बीच में, वो एडिशनली सिग्मा बॉन्ड एडिशन होता है सिग्मा बॉन्ड का, और वो ऑलवेज प्रेजेंट रहता है मॉलिक्यूल में जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड्स कंटेन करते हैं, चाहे वो आपका डबल बॉन्ड हो फिर चाहे वो आपका ट्रिपल बॉन्ड हो. नाउ वी हैव हियर, so all these we had discussed here till this strength of sigma and pi bond. Now we'll discuss the next topics of from the next classes and class aaj ke liye itna hi. Thank you, hope you enjoy this video. If you like this video please give a thumbs up and give a suggestion on a comment box. Please like, share and subscribe our channel so that many and maximum people can get the information at once. And even though you can also enjoy the video and you can utilize those, please like, share and subscribe. Aur jitne logon ne subscribe kiya hai hamare channel ko, hamare वीडियोज को शेयर किया है, थैंक्स फॉर ऑल ऑफ देम एंड दोज वी आर मेंशनिंग हियर एंड दोज वी आर नॉट, सो प्लीज थैंक यू.